एज यू नो गाइज, एप्पल वॉच 7 अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, बट उसके लॉन्च होने से पहले ही एप्पल वॉच 7 एंड एप्पल वॉच 6 की फर्स्ट कॉपी मेरे पास आ चुकी है। तो आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही हम जानेंगे कि ये स्मार्ट वॉच क्यों फर्स्ट कॉपी है, क्योंकि आपको और भी स्मार्ट वॉचेस मिलती है फर्स्ट कॉपी के नाम से, बट उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो उस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, इस तरह का बॉक्स हमें मिल जाता है, एंड ऊपर लिखा है यहाँ पे वॉच, पीछे आपको मिल जाता है यहाँ पे सीरीज 6 लिखा है, बट ये 7 की भी फर्स्ट कॉपी है, और 44 mm वाला वेरिएंट है यहाँ पे देख सकते हैं आप, और काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे मेड इन चाइना भी इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर। बॉक्स की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ओपन कर लेते हैं इसे। ओपन करने के बाद डायरेक्टली ये ओपन यहाँ से हो जाएगा, तो पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी है। ये मिल जाता है, इसके अंदर स्ट्रैप्स हमें मिल जाते हैं, साथ ही दो एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स भी आपको मिल जाते हैं। ये है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्ट्रैप्स आपको मिलते हैं इस वॉच के साथ में, तो आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही एक बॉक्स के अंदर भी मिल जाता है, बॉक्स के ऊपर जो स्ट्रैप्स के बॉक्स है उस पर कुछ इस तरह का मेंशन किया हुआ है, जो कि आप पढ़ लेना। और यहाँ पे हमें मिल जाता है इसका, या ये भी काफ़ी अच्छा है, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी की हुई है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्ट वॉच। इसको भी रख लेते हैं साइड में, और आ जाते हैं हमारी मेन स्मार्ट वॉच पे, ये भी हम रख लेते हैं साइड में, इसमें कुछ नहीं है। तो ये है स्मार्ट वॉच का बॉक्स, एंड बॉक्स पे ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है, जो बाहर मेंशन था वो इसमें भी मेंशन किया हुआ है। चलिए अब कर लेते हैं हम इसे ओपन। बोलो भाई, वाओ खुल गया है ये, दैट्स द बॉक्स स्मार्ट वॉच। इसके अंदर आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे यूज़र मैनुअल है, एंड यहाँ पे एक बार कोड है जिसको स्कैन करके आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, जिसको आप स्कैन करके मतलब जो भी है आप जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करेंगे और अपने स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करेंगे अपने फ़ोन से। साथ ही स्मार्ट वॉच के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये स्मार्ट वॉच है। फर्स्ट कॉपी होने के बावजूद भी जो क्वालिटी है इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उसके अंदर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसके अंदर मेंशन की गई है। और ये है इसका चार्जर, जो कि काफ़ी अच्छा है, एंड ये मैग्नेटिक चार्जर है, तो मैग्नेट जो है वो इजीली कनेक्ट हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा मतलब जो है इसका वो वीक है, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड मतलब चार्जर। और यहाँ पे है हमारी जो स्मार्ट वॉच है वो, तो चलिए देखते हैं इसका जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको इसका जो है वो फर्स्ट कॉपी क्यों कहा था। चलिए अब देखिए, जादू आपको दिखाता हूँ एक, देखा एप्पल का लोगो आ रहा है गाइस, अदर स्मार्ट वॉचेस में आपको नहीं मिलेगा, जो कॉपी होगी उसमें भी नहीं मिलता है काफ़ी सारी में, बट इसमें आपको एप्पल का लोगो मिल जाता है, और जो ओरिजिनल स्मार्ट वॉच है उसमें ही मिलता है, ऑब्वियसली उसमें तो मिलना ही है। तो ये लगता है बिल्कुल ओरिजिनल की तरह, टच भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। डिस्प्ले की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, एंड जिस प्राइस सेगमेंट पे स्मार्ट वॉच आती है उस प्राइस सेगमेंट पे ये क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले आपको इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। अब चलिए बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, हालांकि इसके जो भी टेस्ट वगैरह है वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको फीचर्स के बारे में बताता हूँ क्या क्या फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो पहले मैं जो इसके स्ट्रैप्स हैं वो कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। कहीं चलिए अब बात कर लेते हैं स्मार्ट वॉच के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला फीचर आपको मिल जाता है इसके अंदर, काफ़ी सारी वॉच फेसेस जो है वो इनबिल्ट देखने को मिल जाती है। साथ ही इसके अंदर आपको एक फिजिकल बटन मिल जाता है, तो इसको प्रेस करने पे वॉल्यूम वगैरह भी आती है, तो काफ़ी अच्छा फील मिलता है। एंड यहाँ पे देखिए इस तरह का साउंड आपको देखने को मिलता है, और इसको जैसे ही आप राउंड मतलब घुमाएंगे तो आप जो भी अपनी वॉच फेसेस है उसको चेंज कर सकते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। एंड आप जब भी मेन्यू को ओपन करेंगे मतलब ऊपर से नीचे तक स्वैप करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, QR कोड वगैरह जो है आप देख सकते हैं, बैटरी आपकी कितनी चार्ज है, फिलहाल डिस्चार्ज हो रखी है तो वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड उसके साथ जो भी आपके एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे सिंपली दिखा देता हूँ मैं किस तरह से आपको जो है जो एप्स वगैरह मिलेंगी, एंड नीचे से ऊपर की तरफ स्वैप करेंगे तो ये आपको जो भी एप्लीकेशंस वगैरह इसके अंदर हैं
वो आपको देखने को मिल जाएगी। सेटिंग्स वगैरह आप एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर, ब्लूटूथ सेटिंग, क्लॉक वगैरह जो भी है, साउंड जो है वो आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, रिंगटोन आपको मिल जाती है काफ़ी सारी, एंड इसके अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह भी जो है इसके अंदर देखने को मिल जाता है, तो अलर्ट। और हाँ, इसके अंदर वाइब्रेशन का भी सपोर्ट है। जी हाँ, इस वाइब्रेशन का भी सपोर्ट है एंड रिंग भी ये होती है। उसी के साथ इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, कॉल्स वगैरह आप जो है इसके अंदर कर सकते हैं, फिर नहीं, हाँ कॉल्स वगैरह भी आप इससे कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। और फ़ोन से उसके लिए आपको जो है अपने फ़ोन से कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे अभी हैं तो फर्स्ट टाइम अगर आप इसे बूट करेंगे तो डायरेक्टली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको किसी भी फ़ोन से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको इसमें और भी फीचर्स यूज़ करने हैं तो आपको इसको फ़ोन से कनेक्ट करना होगा। सिंपली आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी होगी, देखिए QDFit, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद काफ़ी सारी परमिशंस ये मांगेगा, तो आप परमिशन दे देना। उसके बाद जो है आपको सिंपली इसको कनेक्ट करना है अपने स्मार्ट वॉच से। तो यहाँ पे देखिए कनेक्ट इक्विपमेंट का ऑप्शन आएगा एंड ये सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद ब्लूटूथ वगैरह चालू कर दीजिए। तो यहाँ पे आ चुका है देखिए, एंड इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। सो इट विल टेक लेस देन 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर ही जो है स्मार्ट वॉच कनेक्ट हो जाएगी। तो ये देखिए कनेक्ट हो चुकी है, एंड अब आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो GPS वगैरह का भी डाटा आप जो है इसके अंदर स्टोर होता है, तो वो भी आप इसके अंदर ट्रैक कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा लगा है मुझे। एंड उसी के साथ कॉलिंग वगैरह जो है वो भी इसके अंदर दिखाता है, जो भी कॉल फीचर वगैरह है वो इसके अंदर सपोर्ट करता है, तो कॉलर ID वगैरह भी जो है सपोर्ट करता है, साथ ही आपकी हार्ट रेट वगैरह को दिखा देता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ स्लीप ट्रैकर वगैरह इसके अंदर आपको मिल जाता है, तो ये सारे कुछ इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। कि अगर हम बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, तो यार 24 to 36 hours इसकी बैटरी लाइफ है, तो जो काफ़ी अच्छा है यार एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच के नज़रिए से काफ़ी अच्छा है। और साथ ही काफ़ी सारी और चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाती है, लाइक आपकी जो भी मतलब एक्टिविटीज़ है वो आप ट्रैक कर सकते हैं, पेडोमीटर वगैरह इसके अंदर देखने को मिलता है, एंड उसी के साथ स्लीप ट्रैकर वगैरह भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आप इसको जूम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको जूम का फीचर मिल जाता है, तो इसको आप जूम कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मुझे लगा है। देखिए जूम कर सकते हैं इसको और छोटा भी कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है मतलब। और यहाँ पे जो भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह आती है, जैसे फेसबुक की होगी या फिर व्हाट्सएप वगैरह की, वो भी आप इसके अंदर ट्रैक कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ कि कैसे आपको स्मार्ट वॉच को बाय करना है, क्योंकि दिस इज़ द यार मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट वॉच इन दिस सेगमेंट, जिस सेगमेंट पे आती है। जी हाँ गाइस, इसकी प्राइस वैसे तो है 3000 rupees, बट अभी आपको डिस्काउंट पे ये मिल रहा है 2500 rupees में। जी हाँ, 3 steps आपको इसके साथ में मिल रहे हैं 2500 में। दिस इज़ द फर्स्ट कॉपी ऑफ एप्पल वॉच 6 एंड एप्पल वॉच 7। जी हाँ, एप्पल वॉच 7 की भी ये फर्स्ट कॉपी है, एंड जो डिज़ाइन वगैरह है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी अच्छी तरह से ये वर्क करता है, एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी प्रीमियम लुक आपको ये देता है, डिस्प्ले वगैरह देख सकते हैं आप किस तरह की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। साथ ही इसके अंदर माइक भी दिया गया है, यहाँ पे एक मतलब वो दिया गया है, एंड उसी के साथ साथ इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, तो काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच है यार। यहाँ पे स्पीकर भी दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच है। बाइक इस तरह से करना है तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी इंस्टाग्राम की, जो भी सेलर है उसका, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी फ्रॉड वगैरह नहीं है, रिटर्न पॉलिसी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है विद इन 7 days, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। जी हाँ गाइज, ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, तो कैश ऑन डिलीवरी पे भी आपको ये स्मार्ट वॉच मिल जाएगी, कोई भी शिपिंग चार्जेस नहीं है, फ्री शिपिंग है, और 2500 में आपको स्मार्ट वॉच आपके हाथ में होगी, तो काफ़ी अच्छी स्मार्ट वॉच है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डायरेक्टली आप सेलर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को बेशक लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइज, आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ वगैरह मुझे किस तरह से मिल रही है, उसी के साथ इसका जो भी सेंसर्स वगैरह है वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, वो भी मैं आपको आगे की आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, गुड डे गाइज, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर सेल्फ, बाय बाय गाइज़।